और चलिए अब ग्राउंड जीरो की शुरुआत करेंगे। बलौदा बाजार में दिल दहला देने वाले हत्याकांड की बात करेंगे। बलौदा बाजार में कुल्हाड़ी से वार करके एक परिवार के चार लोगों की हत्या कर दी गई। वजह, जादू टोने का शक। टोना ही सबसे बड़ी दिक्कत छत्तीसगढ़ की, झारखंड की। हत्यारे भी एक ही परिवार से हैं। हमारे रिपोर्टर आपको ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे कि हत्याकांड के बाद गांव में किस तरह का माहौल है, कैसे मातम है। पड़ताल एमपी में गली गली चल रही मौत की दुकान की भी करेंगे। रायसेन में हाल ही में झोला छाप डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, लेकिन जब न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो हकीकत कुछ और नजर आई। झोला छाप डॉक्टर की जिन दुकानों पर ताला लग गया था वो तो फिर खुल गई है। जिले में फिर से झोला छाप डॉक्टर्स की दुकान चलने लगी है। तो बलौदा बाजार में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। जादू टोने के शक में एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या कर दी गई। घटना छरछेद गांव की है। आरोपियों में एक महिला और बच्चे भी शामिल हैं। दो महिलाएं शामिल हैं। कुल्हाड़ी से वार करके चार लोगों का मर्डर कर दिया गया। हत्याकांड के छह आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों में एक महिला है, नाबालिग है। आरोपियों को शक था कि जादू टोने की वजह से उनके परिवार पर विपत्ति आ रही है, लिहाजा वो पूरे परिवार को खत्म करने चले गए। शुक्र यह था कि उस दिन परिवार के दो लोग बाहर थे, वरना ये छह लोगों को मौत के घाट उतारने निकले थे। वैसे तो अंधविश्वास ही है ना। जिस प्रकार से मृतक के भाई है वो बतला रहे थे कि दोपहर 3 बजे जो अपराधीगण है वो लोग घर गए थे और धमकी चमकी दे करके आए थे, और पता नहीं क्या हुआ कैसा हुआ, फिर शाम को जा करके ये वारदात को अंजाम दिए हैं। और इस टाइप का माने बहुत ही दुखद घटना है। अंधविश्वास बलौदा बाजार में मौत का कारण बन चुका है। चार लोगों की मौत आखिर अंधविश्वास ही एक बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। घर के तमाम लोग मौजूद हैं और देख सकते हैं किस तरह से रो रहे हैं। और बलौदा बाजार में अंधविश्वास इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया कि लोगों ने घर पहुंचकर चार लोगों की एक मासूम समेत हत्या कर दी। कारण ये है कि जादू तोड़ने का शक, लिहाजा ये पूरा मामला क्या है न्यूज 18 तो दिखाएगा। लेकिन अंधविश्वास के लिए न्यूज 18 ये भी कहता है कि लोग इससे दूर रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक लोगों की जान का कारण बन सकता है। ये देख सकते हैं लोग किस तरह से अंधविश्वास के चलते यहाँ पर चार लोगों की हत्या के बाद घर में लोगों द्वारा यहाँ पर जो मातम की स्थिति आप देख सकते हैं। आप भी इस वीडियो को देखने के बाद ये कहेंगे कि लोग किस तरह से अंधविश्वास को कारण को मौत में दिखाएं। लिहाजा न्यूज 18 इस मौके पर मौजूद है और आपको दिखाएगी कि अंधविश्वास आखिर किस तरह से मौत का कारण बन गई और चार लोगों की हत्या हो गई है। लिहाजा उस पूरे मामले पर पुलिस ने 5 लोगों की गिरफ्तारी की, जिसमें से एक नाबालिग है, और पुलिस और आगे के लिए स्पष्टीकरण के लिए अपनी जानकारी और पूछताछ उनसे ले रही है। कि ये चार लोगों की हत्या हुई है, दो परिवार पूरी तरह तबाह हो गए, इसे ऐसे समझिए, तब आप इसकी गहराई को समझ पाएंगे। बलौदा बाजार लिए चलते हैं। योगेश यादव हमारे सहयोगी बलौदा बाजार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, क्या कुछ अपडेट? एक तरफ अंतिम संस्कार की तस्वीरें होंगी, दूसरी तरफ जिन्हें गिरफ्तार किया गया, दो परिवार अंधविश्वास ने हमेशा के लिए तबाह कर दिए। योगेश, बिल्कुल आपको बता दें कि बलौदा बाजार में जो अंधविश्वास हैं, सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाऊं कि किस तरह से, जिस तरह से दो यहां पर शव को मुखाग्नि दी गई है, उसमें जो दो शव हैं, एक में माँ और बेटे जो हैं वो उसको ले गए हैं, लेकिन जो दो शव हैं यहां पर उनको मुखाग्नि दी गई है। और जो तमाम जो ग्रामीण हैं वो देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं। अंधविश्वास बलौदा बाजार में इतना दर्दनाक अंजाम ले देगा ये किसी को पता ही नहीं चला कि चार लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। हालांकि इस पूरे मामले पर बलौदा बाजार पुलिस ने कुल 5 लोगों की इसमें गिरफ्तारी की गई है। हम घर के उस सदस्य से बात करेंगे जो बाहर थे और बच गए, इनकी माँ भी थी वो भी बच गई, उनसे बातचीत करेंगे कि
कैंप को पास लाएंगे और इनको दिखाना चाहते किस तरह से इनको रो रो का पूरा हाल है। आखिर कैसे हुई ये घटना? ये हम लोग के घर में जाकर उन लोग करीबन 3:30 बजे का मारने पीटने का टोनहा है सभी को मारने की धमकी दे रहे थे। उसके बाप, उसके बेटे और उसके मतलब बेटी तीनों लोग आए थे। उसके बाद मैं जब माँ को लेकर अस्पताल गया था तो तबीयत खराब हो गया, तो घर से बाहर निकला तो मेरे जाने के बाद जस्ट 10-15 मिनट पहले उन लोग आए और मेरे घर परिवार के सभी सदस्यों को जान से मारे, हथौड़े से हथियार लेकर आए थे। देख सकते हैं कहीं ना कहीं भुवनेश्वर के जो आंखों में आंसू है ये बता रहे हैं कि अंधविश्वास बलौदा बाजार में मौत का कारण बन गया और इनके घर के 4 लोगों की जान चली गई। अगर काश ये भी रहते तो ये भी घटना को इनके भी साथ हो सकती थी। लिहाजा जिला प्रशासन द्वारा इसको लेकर समिति बनाई जा रही है कि अंधविश्वास जिले में जिस तरह से मौत का कारण बना हुआ है, ये बताइए जिला प्रशासन की टीम पहुंची थी? जिला प्रशासन की टीम पहुंची थी, मेरे पहुंचने से पहले पहुंची थी उन लोग, मैं तो बाद में पहुंचा हूँ। बहुत जान से मारे हैं और मेरा दीदी था जो क्या चाहते हैं बाकी आरोपियों के लिए? मैं आरोपियों के लिए उसे फांसी की आरोपियों के लिए मैं मुआवजा चाहता हूं, क्योंकि मेरे बड़े भैया रहता वो सभी का पालन पोषण देख रेख कर रहा था और मैं सबसे छोटा हूं और मेरा देख रेख करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं शासन से मुआवजा बहुत जल्द चाहता हूं, क्योंकि बहुत ही दुखद घटना है और बहुत ही गंभीरता घटना हुआ है, इसलिए मैं तत्काल मुआवजा राशि शासन से चाहता हूँ। देख सकते हैं कि जिस तरह से शासन से मुआवजे की वो मांग कर रहे हैं और वो पति भी मौजूद हैं जिनकी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जी किस तरह से घटना हुई, आप उस समय घर में मौजूद थे? घर में मौजूद नहीं था, मैं अपने गांव में था, मुझे जानकारी मिला तो मैं आया। क्या वजह रही हत्या की, क्या कैसे इतनी बड़ी घटना हुई, क्या लगता है आपको? ये घटना नहीं होना चाहिए था और ये धमकी देकर चले गए थे, बोल रहे थे। कब धमकी देकर गए थे? वो काल धमकी दिया थे 3-4 बजे के आस पास है, सूचना मिला तो मुझे पता चला। क्या धमकी देकर गए थे? जान से तुम लोग को मार दूंगा, पूरे परिवार को, ऐसा कर जो बोला वो धमकी दी। देख सकते हैं परिवार के 2 सदस्य मौजूद हैं, जाहिर सी बात इनका कहना है कि धमकी वहां पर दी गई थी, लेकिन अंधविश्वास और जादू टोने के शक में लोग किस तरह से हत्या की घटना को अंजाम दे दिए। ये इनके पत्नी हैं और इनके घर के सदस्य हैं और आपको बता दें कि इनकी छोटा सा, जी बताइए, 11 महीने का मेरा बच्चा था, मेरे पत्नी को भी धारदार हथियार से मारा गया, उसको फांसी का सजा दिया जाए, मौजा उजा मुझे कुछ नहीं चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए इसको। देख सकते हैं एक पिता को ही ये कमी खलेगी कि उनके 11 माह का दुधमुहा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा और उनकी पत्नी, लिहाजा जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले पर बलौदा बाजार पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है कल ही। जी ठीक ठीक, बहुत धन्यवाद योगेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी योगेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे, उन्होंने उन लोगों से भी बात की जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। अगली खबर का रुख करेंगे, रायसेन में गली गली झोला छाप डॉक्टर्स मौत की दुकान चला रहे हैं। हाल ही में फर्जी डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन क्या वाकई कार्रवाई की गई थी? क्योंकि जब न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंचती है तो हकीकत कुछ और है। कार्रवाई के नाम पर क्या महज खाना पूर्ति कर दी गई? झोला छाप डॉक्टर्स की दुकान धड़ल्ले से चल रही है। जिला मुख्यालय सांची ब्लॉक के अंतर्गत आता है, इस ब्लॉक में 70 से 80 झोला छाप डॉक्टर हैं। बिना किसी डिग्री, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के ये लोग क्लिनिक चला रहे हैं, लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। कई क्लिनिक सील कर दिए गए लेकिन झोला छाप डॉक्टर्स की दुकान फिर से शुरू हो गई। शासन के निर्देश हैं और वर्तमान में जो निर्देश प्राप्त हुए थे, जिले में बड़ी संख्या में ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई हुई जो झोला छाप डॉक्टर हैं या अन्य विधा के डॉक्टर और कुछ दूसरी पैथी में इलाज कर रहे हैं। लगभग 48 ऐसे चिकित्सकों पर कार्रवाई हुई थी और इसके अलावा 2 दर्जन से अधिक ऐसे हैं जिनको नोटिस दिए गए थे या उनको बंद कराया गया था। शासन की ओर से किसी भी विधा में प्रैक्टिस करने के लिए एक डिग्री है और वो डिग्री जैसे MBBS है, BHMS है, BUMS है और अन्य जो यूनिवर्सिटी से प्राप्त मेडिकल साइंस से रिलेटेड डिग्री हैं, पहली बात वो होना आवश्यक है। दूसरा,
उस डिग्री के बाद प्रैक्टिस करने के रजिस्ट्रेशन नंबर आपको आवश्यक होता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद भी आपको वहाँ के CMHO के यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होता है, तभी आप फील्ड में बैठ कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। कौन कौन से पहलू है, ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ चल रहा है? दिनेश यादव हमारे सहयोगी रायसेन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश के पास आपको लिए चलेंगे, किस तरह से ये पूरे क्लिनिक फिर से शुरू हो जाते हैं। दिनेश, तमाम कार्रवाई की गई, दुकानें जस के तस चल रही हैं। दूसरा पहलू यह भी है कि जब डॉक्टर मिलेगा नहीं तब तो झोला छाप डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। दिनेश ललित जी, यहाँ पर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने यहाँ पर सख्त आदेश और निर्देश जारी किए थे कि झूला छाप डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उस दौरान यहाँ पर रायसेन में भी कुछ कार्रवाई देखने को मिली थी, हालांकि वो कार्रवाई पूर्ण रूप से यहाँ पर नहीं की गई। उसी का जीता जागता सबूत है कि आज भी हैं डॉक्टर जो है झूला छाप डॉक्टर यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। न्यूज़ 18 की टीम ने यहाँ पर कवरेज किया है तो ऐसे डॉक्टरों का सामने काला चिट्ठा निकल के आया है, और ऐसे डॉक्टर भी सामने निकल के आया जिन पर पहले कार्रवाई की गई थी, वो पूर्व डॉक्टर फिर से यहाँ पर क्लिनिक अपना चला रहा है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद, उनसे हम बातचीत करते हैं। जिस तरीके से बात किया यहाँ पर झूला छाप डॉक्टरों का लगातार मकड़ा जाल दिखा जा रहा है, लोगों के साथ जान के साथ खिलवाड़ तो है ही, क्या कहना है आपका? देखिए, चंद लाइनों से मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। जुल्म के साए में लफ्ज खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि रायसेन हॉस्पिटल के अंदर सबसे पहले तो डॉक्टरों की काफी कमी है, पेशेंट काफी होते हैं, उनका नंबर नहीं आ पाता। अच्छा, आप डॉक्टरों बात कर रहे हैं, जिस हिसाब से काफी दिक्कत आती है, और जो डॉक्टर हैं वो प्राइवेट देखते हैं, तो प्राइवेट जब देखते हैं तो हॉस्पिटल से लोग जब पेशेंट जाते हैं डॉक्टर को देखने तो वो पैसे ज्यादा लेते हैं, मजबूरन वो झोला छाप डॉक्टरों के पास जाते हैं। झोला छाप डॉक्टरों का जो मार्केट है वो खूब फल फूल रहा है। अगर सरकार द्वारा डॉक्टर अवेलेबल कर दिए जाए ज्यादा मात्रा में तो शायद झोला छाप डॉक्टरों पर अंकुश लग सकता है। निश्चित रूप से यहाँ पर कुछ लोग और मौजूद है, जिस हिसाब से बात की जाए कई यार यहाँ पर झोला छाप डॉक्टरों के इलाज की वजह से यहाँ पर जो लोगों की मौत हुई, क्या कहना है? कई मौतें हुई है झोला छाप जो डॉक्टर है, अभी कुछ महीने पहले झोला छाप डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया दिया था तो वो परिवार का लड़का बहुत अच्छा था, वो ख़त्म हो गया। और झोला छाप डॉक्टर तो साहब मैं बता नहीं सकता, इतने लूटते जगह जगह गलियों में झोला छाप डॉक्टर नजर आते और लूट पर मचाते, क्या कहना आपके लिए झोला छाप डॉक्टर? मेरा ये कहना है कि जगह जगह इनका प्रतिदिन झोला छाप डॉक्टरों का व्यापार बढ़ता जा रहा है, हमारी सरकार से अनुरोध है कि इनके कोई प्रतिबंध लगाना चाहिए नहीं। हमारे मरीज जो हैं कि बेचारे ऐसे ही चले जाते हैं गांव से, बहुत से और गांव में भी खोलते जा रहे हैं, उनकी तो जेब भरा जाती है लेकिन हमारे जो मरीज बेचारे वो मर जाते हैं, तो इन्हें इनका लाइसेंस जो भी हो इन्हें निरस्त करना चाहिए, सरकार से अनुरोध है। जी, जिस हिसाब से हमने यहाँ पर बात की थी, कलेक्टर ने भी यहाँ पर बताया था न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कि यहाँ पर डॉक्टरों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जिस हिसाब से बात किया यहाँ पर डिग्री के हिसाब से यहाँ पर डॉक्टरों को यहाँ पर तैनात किया जाता है, लेकिन जो झोला छाप डॉक्टर ना तो उनके पास कोई डिग्री होती है ना कुछ होता है, उनकी दुकान जो है बाजस्तूर यहाँ पर जा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। होती है तो बीमारों की लंबी चौड़ी भीड़ जिसका फायदा वो उठा रहे हैं। बहुत धन्यवाद दिनेश, आपके साथ जो लोग जुड़े जिन्होंने अपनी आवाज उठाई उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से लाइव में इतना ही, नमस्कार।